नमस्कार साथियों, मैं स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन अमन आनंद आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा कि काफी दिनों से मुझे काफी बच्चों की कॉल आ रही है, मैंने अपनी पिछली एक दो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सतर्क कर ही दिया था कि कुछ पैरामीटर कमेटी के एंड पे ऐसे सेट कर दिए गए हैं कि जिस वजह से बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट रिलीज करवाने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि कई बच्चों का नाम ग्रीन लिस्ट में है तो डिस्क्लोजर लिस्ट में नहीं है, डिस्क्लोजर लिस्ट में है तो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, तो उस वजह से बच्चों को या तो अभी वेरिफिकेशन के लिए कमेटी मना कर रही है या उनको अभी डॉक्यूमेंट देने के लिए मना कर रही है, और बच्चों के अंदर यह है मतलब कि डर है कि इन फ्यूचर हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो नॉर्मली मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो हमें प्रेजेंटेशन जब हमने अपने SP सर को, जो चेयरमैन है कमेटी की, उनको दी थी, तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन उनके द्वारा कहा गया था कि जो हमने जितने भी पैरामीटर्स को सेट कर दिया है वो एज पर लॉ हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को डॉक्यूमेंट्स देंगे, और भविष्य में जो इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता है बच्चा उसको डॉक्यूमेंट देंगे या नहीं देंगे इस पर उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिस वजह से हमने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि जिनको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है जो प्रीवियसली पास आउट हैं, या जिनको फिलहाल इन्होंने डॉक्यूमेंट देने के लिए मना कर दिया है यूनिवर्सिटी या कमेटी एंड पे, उनका अप्रूव्ड लिस्ट में नाम नहीं है, तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ग्रीन लिस्ट को प्रिपेयर करना, डिस्क्लोजर लिस्ट को मेंटेन करके आगे फॉरवर्ड करना, ये सारा का सारा जो ड्यूटीज होती है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं होता। और नॉर्मल सी एक बात है कि थ्रू आउट इंडिया अगर एक भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन एक स्कूल भी बोल दे कि उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं या स्टूडेंट्स आगे फॉरवर्ड करते हैं, और अगर ये नहीं होता तो स्टूडेंट्स की गिल्टी होती है, तो हम कमेटी की बात मानने के लिए राजी हैं। बट इन्होंने यूनिवर्सिटी की और रेगुलेटरी कमीशन की नेगलिजेंसीज को बच्चों के ऊपर डाल दिया। आज तक 2009 से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, 2020 के अंदर जो है लिटिगेशन पड़ी, आज तक रेगुलेटरी कमीशन को डाटा जाता रहा, यूनिवर्सिटी भेजती रही। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज तक रेगुलेटरी कमीशन ने एक बार भी कोई ऑडिट करवाया कि जो यूनिवर्सिटी हमें डाटा भेज रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या और भी कोई यूनिवर्सिटी डाटा भेजती है तो ऐसा कोई प्रावधान है रेगुलेटरी कमीशन के पास कि ऑडिट करवाते हैं कि ये डाटा एकदम 100% एक्यूरेट है या नहीं है? अब किसी की क्लरिकल मिस्टेक हो या यूनिवर्सिटी ने स्कैम करने के नाते से एक्सेस सीट्स फिल कर ली या लेटर एडमिशन कर ली जो SIT बोल रही है और डिग्री नहीं दे रही है, या कोई भी एलिगेशन लगा रही है जो भी अंडर ट्रायल है जिसपे हम कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे अभी, बट उसके ऊपर क्या रेगुलेटरी कमीशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये डाटा जेन्युइन भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, हम डाटा रीचेक करें किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से या इंटरनल किसी अपने ऑडिट डिपार्टमेंट से इसका ऑडिट करवाएं, जो डाटा उन्होंने भेज दिया इन्होंने रिसीव कर लिया, कभी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया डाटा प्रॉपर है, इतने ही बच्चे ग्रीन रजिस्टर में जितना हमारे पास आया है नहीं आया, या जो इन्होंने भेजा है एक्यूरेट भेजा है नहीं भेजा, टोटली नेगलिजेंसी इन दोनों डिपार्टमेंट्स की स्टूडेंट्स को आज की डेट में फेस आउट करनी पड़ रही है। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, जो बच्चे हमारे थ्रू कनेक्ट होकर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं फॉर बेटर फ्यूचर वो लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जिन लोगों के अपने लिंक्स हैं या खुद उसको आप फेस आउट कर सकते हैं या आपके लिए अप्रोचेबल है, तो मेरे यही निवेदन है कि आप हाईकोर्ट तक अपनी बात पहुँचाएं कि इन लोगों की नेगलिजेंसी स्टूडेंट्स क्यों सफर करें, क्यों बियर करें, और हमें न्याय मिले। और मेरा ये मानना है कि जो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे या लोग जो कोर्ट की शरण में जाते हैं उनके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होता, क्योंकि कोर्ट जो है हमारे राइट्स को सेव करने के लिए बनी है, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है। धन्यवाद।